Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी आपको, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोने का तरीका बताऊँगी, कैसे आप इनको जर्म, बैक्टीरिया और वायरस से फ्री कर सकते हैं। जब भी आप बाहर से कोई भी सब्ज़ी या फल लाएँ, इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मेरी ये वीडियो कोरोना पेंडेमिक में बहुत फ़ायदेमंद होगी, इसे आखिर तक ज़रूर देखें। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप बैक्टीरिया, वायरस और जर्म से इनको फ्री कर सकते हैं। मैंने ये कुछ ऑरेंजेस लिए हैं, इनकी जगह पे आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ्रूट जो भी आप बाज़ार से लाएँ, उसे ऐसे ही धोना है जैसे मैं ये ऑरेंजेस धोऊँगी। अब एक खुले से बर्तन में आप पानी ले लें साफ़, उसमें आप हाफ़ टेबल स्पून मीठा सोडा डाल दें जो हम खाने में यूज़ करते हैं, विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें आप चाहें तो हाफ़ टेबल स्पून नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब तमाम ऑरेंजेस या जो भी आप फ्रूट लाए हैं उसे आप इस पानी में डिप कर दें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद मैं इनको छलनी में डाल दूँगी। सोडे वाले पानी से निकालकर अब इनके ऊपर से एक दफ़ा खुला पानी गुजार दें, उसके बाद इस तरह से टिशू की मदद से खुश करके इनको चाहें तो फ्रिज में रख दें, चाहें बाहर रख लें। अब ये ऑरेंजेस बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं, इनकी जगह पे आप कोई भी फ्रूट लाएं, उसे इसी तरह ही वॉश करके आप रखें और इस्तेमाल करें। ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, गाजर है, टमाटर है, शिमला मिर्च है और खीरा है। इसकी जगह पे आप कोई भी सब्ज़ी जो बाज़ार से लेकर आते हैं, जो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे भी आपने इसी तरह ही धोना है। खुले बर्तन में आप साफ़ पानी ले लें, उसमें आप हाफ़ टेबल स्पून मीठा सोडा डाल दें, चाहें तो इसमें नमक भी ऐड कर दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इन तमाम सब्ज़ियों को इस खुले पानी में डिप कर दें और 10 मिनट के लिए इनको छोड़ दें। 10 मिनट डिप रहने के बाद अब मैं इनको छलनी में निकाल दूंगी। इसकी जगह पे आप अपनी मर्ज़ी की जो भी सब्ज़ी बाज़ार से लाएं, उसे आप ऐसे ही इस्तेमाल करें। सोडे वाले पानी से निकालकर इनके ऊपर से एक दफ़ा खुला पानी गुजार दें, उसके बाद टिश्यू पेपर से साफ़ करके इनको चाहें तो आप फ्रिज में रख दें, चाहे आप इनको बाहर रखें, और जो भी सब्ज़ी आप बाज़ार से लेकर आएँ उसे इसी तरह से धोकर आप इस्तेमाल करें। अब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरह से साफ़ हैं, इनको ड्राई कर लिया है, इसके बाद इनको फ्रिज में रखें या इन्हें बाहर रखें, और जब भी आपको कुकिंग करनी हो इसे आप निकालें और बस इस्तेमाल कर लें बिना किसी खौफ के। अब ये अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हैं, तमाम सब्ज़ियों और फ्रूट्स को इसी तरह आप धोकर इस्तेमाल करें। इस वीडियो में आपसे मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन या आप टिप कह लें शेयर की है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोने का तरीका बताया है, कैसे आप इनको जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस से फ्री कर सकते हैं। ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी, इसे आप ज़रूर फॉलो करें, अपनी और अपने प्यारों की केयर करें। आपसे ही आपके प्यारों की ज़िंदगी जुड़ी है, एहतियात करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।